नमस्कार द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन स्टारर फिल्म गणपत सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। अब ये एक्शन पैक फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई है तो इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए सिनेमाघरों में भीड़ लग गई है। इसी के साथ अब फिल्म देखने वालों ने इसका रिव्यू देना भी शुरू कर दिया है। कहानी की शुरुआत होती है भविष्य की एक ऐसी छोटी सी दुनिया से जहां दर्शकों को दलपति यानी कि अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो एक ऐसी जंग के बारे में बताते हैं जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया का तकरीबन सर्वनाश हो चुका है। मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है। इस मौके का फायदा उठाकर पैसों की भूख रखने वाले ताकतवर लोग आधुनिक तकनीकों से लैस एक शहर सिल्वर सिटी का निर्माण करते हैं। यहाँ अमीर ऐशो आराम से रहते हैं मगर गरीबों को एक ऐसी जगह निकाल कर फेंक दिया जाता है जहाँ वे अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे होते हैं। ये गरीब और अमीरों की सिल्वर सिटी में प्रवेश करने की कहानी है तो मौत निश्चित हो जाती है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इस गरीबी और अमीरी के चक्कर में पड़कर इस पूरी पिक्चर को बनाया गया है। और टाइगर श्रॉफ वो इंसान है जो एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए गरीबी जनता के बीच में जाते हैं। गणपत को विकास बहल ने डायरेक्ट किया है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म को एक्शन के लिए पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। लोगों ने गणपत को फ्यूचरिस्टिक कहा है वहीं कई ने फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के लिए इसकी जमकर तारीफ की है। गणपत एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन थ्रिलर एंटरटेनर है। ये एक ट्रीट है। टाइगर श्रॉफ के फैंस उनके करियर की मोस्ट एडवांस एक्शन फिल्म देख चुके हैं। इसके स्टाइल स्वैग और एक्शन सब देखने लायक है। फिल्म के एक्शन पर विकास ने खूब मेहनत की है। गरीब बस्ती का उजड़ा हुआ सेट हॉलीवुड फिल्मों की तरह लगता है। गरीबों का लुक और बेबसी केजीएफ की याद दिलाती है मगर कई जगहों पर वीएफएक्स की कमजोरी साफ झलकती है। मुख्य किरदारों के लुक भी बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक बॉक्सिंग मैच को जीतकर गणपत का गरीबों को बर्बादी से बचाने का तर्क हजम नहीं होता। बैकग्राउंड स्कोर में टाइगर श्रॉफ की एंट्री पर बप्पा का म्यूजिक बचकाना लगता है जबकि फिल्म के गाने और बेहतर हो सकते थे। कृति सैनन का फिल्म में होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बात करें डायरेक्शन की तो सिर्फ एक्शन के तौर पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं वरना आपका मूड खराब हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।